फाइनली मुझे ब्लॉगर के लिए गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजिंदर और आप देख रहे हैं आरएसपी लेटेस्ट इन्फो। फ्रेंड्स, मुझे गूगल एडसेंस अप्रूवल मिला है 7 से 8 बार अप्लाई करने के बाद। तो फ्रेंड्स, मुझे 4 फरवरी 2021 को जो है वो गूगल एडसेंस की तरफ से एक मेल आया था कि आपका वेबसाइट जो है वो एडसेंस के लिए अप्रूवल कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। एक्चुअल में जैसे ही मैंने वेबसाइट में काम करना स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है अपलोड किया, बट 6 से 7 बार अप्लाई करने के बाद मेरा जो है वो जितनी भी बार मैंने एप्लीकेशन अप्लाई किया था तो हर बार जो है मुझे रिजेक्शन मिल जाता था। और रिजेक्शन में यही एरर आता था कि यू हैव नीड टू फिक्स सम इशूज बिफोर रेडी द एडसेंस अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं परेशान हो गया कि अब करूं या ना करूं। तो एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मैंने छोड़ ही दिया था कि यार इसमें तो अप्रूवल मिलेगा ही नहीं, बट फिर भी मैंने अपना जो है वो कंटेंट लिखना जारी रखा और फाइनली जो है मुझे अप्रूवल मिल गया है। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि मुझे मेरे अकाउंट में एडसेंस अप्रूवल कैसे मिला और मैंने अपने कंटेंट में क्या चेंज किया और आपको क्या कंटेंट में चेंज करना चाहिए कि जैसे ही आपको जल्दी से जल्दी अपना एडसेंस अप्रूवल मिल जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि एडसेंस अप्रूवल मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि आपका कंटेंट बिल्कुल जेन्युइन है और आपने सही से कंटेंट टाइप किया है तो आपको 100% जो है वो एडसेंस की तरफ से अप्रूवल मिलेगा ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने जो भी ब्लॉगर वेबसाइट आपने क्रिएट किया है उसमें जो है वो आपको एक अच्छा सा टेम्पलेट जो है वो यूज़ करना है उसमें। और जरूरी नहीं है कि आप टेम्पलेट पेड ही लो, आपने फ्री वाला जो टेम्पलेट होता है, बहुत से हजारों टेम्पलेट मिल जाते हैं ऑनलाइन, उसे ही आप अपलोड करिए एंड उस पर ही अपना कंटेंट लिखना जो है वो जारी करिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या आती है कि फ्रेंड्स, आपने कंटेंट जो आपने अपलोड करना है उस कंटेंट में आपने एक बात ध्यान रखनी है कि उसमें सेम टू सेम कंटेंट जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, ABC वेबसाइट से आप कंटेंट उठाते हो और वही कंटेंट आप अपनी ब्लॉगर वेबसाइट में अपलोड कर देते हो तो उसका आपको कभी भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट इसलिए नहीं मिलेगा कि वो कंटेंट ऑलरेडी जो है वो पब्लिश हो चुका होगा और उसका जो है वो सर्च जो है वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी गूगल पे होगा, तो आपका वेबसाइट जो है वो सर्च पे आएगा ही नहीं। अगर आपका वेबसाइट सर्च में नहीं आएगा तो उसका तो किसी लिए बेनिफिट नहीं रहेगा। तो आपने एक चीज़ की ध्यान रखनी है, जो भी कंटेंट आपने अपलोड करना है वो ज़रूरत के हिसाब से ही अपलोड करना है। फॉर एग्जाम्पल्स, अभी किसी को ज़रूरत है, 1 लाख स्टूडेंट्स को ज़रूरत है सम क्वेश्चंस पेपर की, सम इंपॉर्टेंट नोट्स की, तो आप इमीडिएटली उसे अपलोड कर दीजिए। ठीक है जी, आप जैसे ही अपलोड करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली वेबसाइट रीच में आ जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब दूसरा काम आपको क्या करना है कि कुछ अपनी जेन्युइन लाइन जो है वो ऐड कर देनी है अपने कंटेंट में। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे मान लो आप कुछ अपने एंड से लाइंस क्रिएट कर दीजिए और उन लाइंस को क्रिएट करने के बाद अपनी ब्लॉगर वेबसाइट में ऐड कर दीजिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब मैंने पहले क्या किया था कि मैं बहुत छोटी छोटी जो है वो पोस्ट लिखता था और उसे अपलोड कर देता था। ठीक है फ्रेंड्स, और हुआ क्या कि मैंने हर बार अप्लाई किया बट मुझे नहीं मिला, रिजेक्शन ही मिला हर बार। तो अभी मैंने सोचा कि यार मैं क्या करूं, जितनी भी पोस्ट मैं देखता हूं या YouTube वीडियोस देखता हूं तो उसमें यही बताया जाता है कि आपने जो है वो जेन्युइन कंटेंट अपलोड करना है। तो मैंने तो अपना जेन्युइन ही कंटेंट अपलोड किया था तो फिर मुझे क्यों ये मिल रहा है। तो मैंने ये गलती पाई कि जो भी जिन बुक्स से मैं कंटेंट अपलोड करता था वो सेम टू सेम मैं एज इट इज़ वैसे ही वहाँ पर अपलोड कर देता था। तो फिर मैंने बाद में क्या किया कि स्टार्टिंग के 8-10 लाइन्स मैंने अपने एंड से लिखी एंड बैक की 8-10 लाइन्स मैंने अपने एंड से लिखी और बीच में जो क्वेश्चंस जिस बुक्स में पूछा गया था उसका स्टाइल मैंने चेंज किया थोड़ा सा। और चेंज करने के बाद मैंने 3 से 4 पोस्ट अपलोड करी और अप्रोक्सीमेटली मेरे ब्लॉगर वेबसाइट में 44 के करीब जो है वो पोस्ट होंगी फ्रेंड्स। तो 44 पोस्ट के बाद जो है मुझे एडसेंस की तरफ से अप्रूवल मिल गया है। ये जो है वो आप चेकआउट कर सकते हो, ये मुझे एडसेंस की तरफ से मेल आया था और 7 बार मैंने अप्लाई किया है, इसका अप्रूवल भी आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है कि मेरा 7 बार जो है वो इलेक्शंस हुआ था। तो और तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है फ्रेंड्स कि जो भी आपकी टेम्पलेट है वहाँ पे जो भी आप कंटेंट अपलोड कर रहे हो वहाँ पे हैवी फोटो अपलोड नहीं करने। फॉर एग्जांपल, आप 3 MB 4 MB का फोटो अपलोड कर देते हो तो उससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो ये चीज़ आपने बहुत ध्यान में रखनी है। और उसके बाद जो भी आप टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो वहाँ पे जो अननेसेसरी पॉइंट है उन्हें आपको रिमूव कर देना है। यदि आप इस चीज़ को करोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट जो है वो हल्की हो
जाएगी और जो है वो इजीली जो है वो जैसे ही कोई भी आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा तो वो इजीली जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये काम आपको करना है और उसके बाद आपको चार पेज जो है वो क्रिएट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल्स आपको कॉन्टेक्ट अस का पेज आपको क्रिएट करना है, अबाउट अस का पेज आपको करना है और उसके बाद आपको डिस्क्लेमर का जो है वो क्रिएट करना है एंड उसके बाद उसको आपको एक पॉलिसी जो होती है उस पॉलिसी का पेज जो है वो आपको क्रिएट करना है। यदि आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाकर इन चीज़ के ऊपर सेपरेट टॉपिक बनाएं तो कमेंट कर दीजिए, मैं इजी वे में इनके बारे में आपको बता दूंगा और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, नेट पे आपको इजीली मिल जाएगा चारों पाँचों ऑप्शन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात होगी। अब ये चीजें करने के बाद जो है वो आपको 100% एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। और उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि अभी गूगल की तरफ से जो है वो बेटेस दी जा रही है ब्लॉगर के ऊपर, तो आपने अगर 50-60% भी अपना कंटेंट अपलोड किया होगा तो भी आपको इजीली जो है वो आपको ब्लॉगर पे एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने हाल ही में देखा है बहुत से ब्लॉगर्स को जो है वो इजीली मिल गया है एडसेंस अप्रूवल, जिन्हें की बार बार नहीं मिल रहा था। और एक चीज आपको और करनी है फ्रेंड्स, मैंने ये देखा है कि मैंने एक मंथ में 2-3 बार अप्लाई कर दिया था तो उसकी वजह से मेरा जो नेक्स्ट टाइम जो मैंने अप्लाई किया था तो मेरा रिव्यू जो है रिव्यू के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग गया था, तो उसी टाइम को जो है वो ऐसा करने से जो है वो गूगल की बार जो है वो आपका गूगल की जो कमेटी रिव्यू करती है आपके अकाउंट को ही रिव्यू नहीं करती है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि आपको जो है वो बार बार, अगर मान लो आपको रिजेक्शन मिल रहा है तो आपको बार बार जो है वो अप्लाई नहीं करना है और अपने कंटेंट में कुछ चेंज करने के बाद ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और रेगुलर आपको पोस्ट लिखनी है जो कि आपको सभी बताते ही हैं, और साथ में आपको डाटा एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने वो जो भी कंटेंट जो है वो अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया और जो कि ऑलरेडी बैंड हो, तो ऐसा आपने नहीं करना है। और फ्रेंड्स, इन चीज़ों को यदि आप ध्यान रखोगे तो आपको इजीली जो है वो एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं रिविजन। सबसे पहले आपको जो है वो फ्री में टेम्पलेट ले लेनी है, डाउनलोड कर लेनी है, कहीं से भी वेबसाइट से इजीली मिल जाएगी, कोई पैसा आपको खर्च नहीं करना है। और एक डोमेन लेना है आपको, अच्छा सा डोमेन ले लेना है आपको और फ्री अच्छी सी वेबसाइट गोडैडी वगैरह एवीसी वेबसाइट में जो है वो मिल जाएगी आपको, आप इजीली ले सकते हो आप उसका डोमेन। डोमेन लेने का आपको बेनिफिट ये होता है फ्रेंड्स कि कल को जैसे अगर मान लो आपकी वेबसाइट जो है वो हाई रैंक पे चली जाती है तो आपको जो है उसका बेनिफिट होता है कि आपको उस टाइम जो है वो डोमेन सस्ता, क्योंकि आपने सस्ता ऑलरेडी परचेज किया होता है। अगर आपकी वेबसाइट रैंक पे चली जाती है, ब्लॉगस्पॉट पे ही चली जाती है जो कि फ्री डोमेन होता है, तो बाद में आपको वो डोमेन जो है वो कॉस्टली मिल सकता है। तो आप इजीली इतना तो कर ही सकते हो, 400 या 500 रुपए के खर्चे पे आपको इजीली मिल जाएगा वो, और मे भी हो सकता है उसका रेट इंक्रीज हो। तो यदि आप इसके टॉपिक के ऊपर भी चाहते हो तो उस टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो बना के आपको तक पहुँचा दूंगा। और फ्रेंड्स, आप सबने मेरे ब्लॉगर वेबसाइट को अप्रूवल करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, क्योंकि आप लोगों ने ही मेरे चैनल को और अपने मेरी वेबसाइट को बार बार विजिट किया है, तो उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आई थिंक दिस वीडियो इज़ माय फर्स्ट वीडियो रिलेटेड टू ब्लॉगर वेबसाइट। यदि आपको मेरा बताने का तरीका जैसा भी लगा हो आप जरूर कमेंट करें, और कुछ भी इम्प्रूवमेंट्स का पॉइंट हो वो भी आप बताएं, और इस तरह का कंटेंट जो है वो मैं रेगुलरली आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट नॉलेज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत। और यदि अब तक आपने हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं किया है तो यार जल्दी से कर दीजिए। जय हिंद जय भारत।